तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला से या पहला रूल, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया जाए, एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, डी डीएक्स ऑफ सी, जहां पर सी इज अ कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है हमें, जीरो मिलता है। वी कांट डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट, ओके। अब देखो अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो डी डीएक्स ऑफ टू, जहां पर टू इज अ कांस्टेंट, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी डीएक्स ऑफ पाई, वो भी जीरो हो जाएगा, ओके। तुम किसी भी कांस्टेंट ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो तुम लोग, ओके। अगर उसको डिफरेंशिएट किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एम आई क्लियर? सिंपल सा फॉर्मूला है। आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, जिसे कहते हैं पावर रूल। और लेट मी टेल यू, ये जो रूल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। डिफरेंशिएशन में 50% न्यूमेरिकल तो इससे ही हो जाता है, ओके नो, या इसका यूज से, एप्लीकेशन से, ओके। तो देखो डी डीएक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, यहां पर एक चीज तुम लोगों को खुलासा कर देता हूं। अगर y इज इक्वल टू, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो अपना फंक्शन क्या है y, एंड y इज इक्वल टू x टू द पावर n, जहां पर n क्या है, n इज द पावर ऑफ x, 2 होता है, हो सकता है माइनस 2 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। अब देखो इसका इक्वल जो होगा डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलेगा हमें, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये अपना फॉर्मूला है, इसको गांठ बांध लेना है, ओके ना बच्चों, तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल वन, अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर फाइव है, ओके, एक्स टू द पावर फाइव, तो यहां पर जो n है, n का वैल्यू क्या होगा, देखो x टू द पावर n, यहां पर x टू द पावर 5, तो n का वैल्यू होगा 5, तो n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब 5 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 1, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 x टू द पावर 4। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ? थोड़ा और अपग्रेड करते हैं, थोड़ा और हाई लेवल के एग्जांपल में जाते हैं। अपना सेकंड एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब देखो यहां पर 1 बाई एक्स मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर माइनस वन, अगर x ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो x टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा। अब देखो यहां पर पावर क्या है, यहां पर पावर है माइनस वन, isn't it? तो n x टू दी पावर n माइनस वन मतलब माइनस वन x टू दी पावर माइनस वन, n का वैल्यू माइनस वन है, उसके ऊपर फिर से माइनस वन, एन माइनस वन, ओके। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स टू दी पावर माइनस टू, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन तो रहेगा ही, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। एम आई क्लियर? अपना थर्ड एग्जाम्पल में आ जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फोर बाई एक्स क्यूब, ओके। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पर 4 है कांस्टेंट, isn't it? अब पिछला जो फॉर्मूला था वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन बच्चों याद रखना कि वो तभी जीरो होगा अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे डिफरेंशिएशन के, ओके। मतलब ऐसा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, अंदर सिर्फ रह जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, ओके। और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग दिस पावर रूल, ओके। अब देखो यहां पर तो 4 हो ही गया, तो माइनस थ्री इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन मतलब माइनस थ्री माइनस वन, तो 4 थ्री इज 12, और x टू दी पावर माइनस 4 मतलब 1 बाई x टू दी पावर 4, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 12 बाई x टू दी पावर 4, ओके बच्चों समझ में आया। और एक एग्जांपल दिखाता हूं लास्ट, यह है एग्जांपल नंबर 4। यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर d dx ऑफ
रूट ओवर एक्स ऐसा हुआ। अब देखो रूट ओवर एक्स मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स टू दी पावर हाफ, ये सुनो एक्स टू दी पावर हाफ। अब यहां पर एन का वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू हाफ। तो अगर एन हाफ है तो ये फॉर्मूला अगर बिठा है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो क्या लिखेंगे, हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन। अब देखो हाफ माइनस वन मतलब क्या होगा, माइनस हाफ निकल जाएगा, तो हाफ ऑलरेडी है और एक्स टू दी पावर माइनस हाफ हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू वन बाई रूट ओवर एक्स या वन बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब क्लियर बच्चों, समझ में आया सबको, वेरी गुड। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। ओके बच्चों, अपना जो नेक्स्ट रूल है दैट इज कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। ओके, वहां पर अगर ऐसा है कि डी डी एक्स ऑफ सी इंटू यू, जहां पर सी इज अ कॉन्स्टेंट एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब देखो यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा, ऑलरेडी पिछले वाले एग्जांपल में मैंने ये तुम लोगों को दिखाया है। तो सी और सिर्फ हम लोग यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सी चला गया बाहर, डी यू डी एक्स हो गया। ओके बच्चों, या ऐसे भी दिखा सकता हूं डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स टू दी पावर एन। अब एक्स टू दी पावर एन पावर रूल में ऑलरेडी हम लोगों को पता है सी है कॉन्स्टेंट, ये चला गया बाहर, तो सी चला गया बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो एक्स टू दी पावर एन मतलब एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो सी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और यहां पर बैठ गया एन। ओके, तो सी इंटू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, समझ में आया बच्चों। और एक बार लिख देता हूं यहां पर सी इंटू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यहां पर एक्स टू दी पावर एन को जो हमने डिफरेंशिएट किया वहां पर सिर्फ और सिर्फ पावर रूल लगा दिया और सी कॉन्स्टेंट था इसलिए उसको बाहर निकाल दिया, जो बाद में मल्टीप्लाइड हो गया। एम आई क्लियर? अब देखो अगर इसका एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर। अब थ्री है कॉन्स्टेंट, इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको तो पावर रूल से लिख सकते हैं, बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एन का वैल्यू है टू, तो टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन मतलब टू एक्स। ओके बच्चों, तो थ्री टू सिक्स एक्स, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल में। ओके तो बच्चों अब रूल नंबर फोर हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज सम और सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, सब्ट्रैक्शन रूल किसी भी नाम से बोल सकते हैं, सम रूल और सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, यहां पर क्या है, अगर दो फंक्शन है एक्स का ही फंक्शन, ओके दोनों ही एक्स का फंक्शन, सोचो एक है यू और एक है वी, दे आर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब अगर इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी ऐसा है, ये है अपना टोटल फंक्शन, मतलब यू फंक्शन एंड वी फंक्शन को ऐड किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ऐसा होगा du dx प्लस dv dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते u माइनस v को, तो तब भी हम लोग ऐसा करेंगे कि du dx माइनस dv dx। ओके, तो एकदम सिंपल सा रूल है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसे होकर रहे तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग से और उसको ऐड कर देंगे, या डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग से और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, तो अपना पहला एग्जांपल
तो अपना पहला एग्जांपल है y is equal to x to the power 4 plus 12x, ओके? हमें निकालना क्या है dy dx, मतलब ऐसे बोल दिया गया है find dy dx या dy dx is equal to question mark, ओके? तो dy dx will be equal to, यहां पर ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन, तो d dx of x to the power 4 प्लस ये 12 है कांस्टेंट, तो 12 को निकाल दिया बाहर, तो d dx of x, ओके? अब देखो यहां इन दोनों पे ही हम लोग पावर रूल लगाएंगे, तो x to the power 4 मतलब 3x cube प्लस d dx of x, इसका पावर कितना होता है 1, तो देखो अगर x to the power 1 minus 1 हुआ तो क्या हो जाएगा x to the power 0 which is equal to 1, तो ये भी हो जाएगा d dx of x मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 12, तो dy dx is equal to 3x cube plus 12, ये अपना आंसर हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा और स्टेप अप करते, मतलब अगर सिर्फ दो फंक्शन नहीं है u और v, U है, V है, A, B, C, D, ऐसे बहुत सारे functions हैं, जो सारे add करके या subtract करके है, या ऐसे भी हो सकता है, मिलाकर है, कुछ add करके, कुछ subtract करके, okay? तो तब क्या होगा, देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर क्या है y is equal to x cube, ये एक फंक्शन हो गया, 4 थर्ड x square ये और एक फंक्शन हो गया, minus 5x ये और एक फंक्शन हो गया, और 1 ये कांस्टेंट हो गया, मतलब 4 है यहां पर, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब अलग-अलग से हर एक को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, और इसका जो साइन है वो बाहर रख देंगे डिफरेंशिएशन के, ओके? तो देखो dy dx मतलब पहले हम करेंगे d dx of x cube, जो स्टेप्स है यहां पर मैं प्रॉपर्ली दिखा रहा हूं, बाद में तुम लोग स्टेप जंप भी कर सकते हो, ओके? अभी सीखने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो 4 by 3 ये चला गया बाहर, तो d dx of x square minus 5 चला गया बाहर, तो d dx of x और d dx of 1, क्योंकि सिर्फ यहां पर कांस्टेंट ही था और कुछ नहीं था, तो देखो अगर यहां पर पावर रूल लगा लेते हैं तो x cube मतलब हो गया 3x square, अभी समझ में आ रहा है ना, प्लस x square मतलब हो गया कितना 2 into x, तो 4 by 3 into 2x minus 5 ddx of x कितना हुआ था पहले 1 हुआ था, तो ये हो गया 5, और ddx of 1 मतलब constant को अगर differentiate करें तो क्या मिलता है 0, तो ये हो गया अपना 0, तो यहां पर 3x square plus 4 to the 8 by 3x minus 5, ये हो गया अपना differentiation का answer, am I clear? तो बच्चों यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया, तो अब मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो टोटल डिफरेंशिएशन है मैं इसको दो पार्ट में वीडियो में डालूंगा, ओके? ताकि तुम लोगों को भी आसानी हो देखने में, एक एट अ स्ट्रेच देखने में दिमाग भारी ना हो जाए, ओके? और छोड़ के भाग ना जाओ डिफरेंशिएशन को, पहले ही मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, ओके? तो हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वहां पर हम लोग आगे का जो सब रूल्स है वो यूज करेंगे और उसका एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, और भी एक चीज फिजिक्स में जो एप्लीकेशन होता है उन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ओके? बच्चों थैंक यू।